शपथ ग्रहण समारोह में शक्ति प्रदर्शन करने की कांग्रेस की तैयारी है। देखिए, मुख्यमंत्रियों के नाम पर अभी मोहर नहीं लगी है, लेकिन सूत्र जानकारी ये दे रहे हैं कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके जरिए कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी, शक्ति परीक्षण दिखाया जाएगा, और उसके लिए जो समान विचारधारा वाले दल हैं उन्हें एक मंच पर लाया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। याद कीजिए, कर्नाटक में जब शपथ ग्रहण समारोह था तो कुछ इसी तरीके से विपक्ष की एकजुटता की तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, जहां पर सिर से सिर मिलाते हुए नजर आई थी सोनिया गांधी और मायावती, वो तस्वीर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। और एक बार फिर 2019 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उससे पहले विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए कांग्रेस की तरफ से रणनीति यह बनाई जा रही है कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके जरिए कांग्रेस अपनी शक्ति परीक्षण करेगी। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेन्द्र, क्या है कांग्रेस की तैयारी? विपक्ष की धुरी कांग्रेस बन गई है ये बताने की देश को। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा आपने बताया दर्शकों को कि कर्नाटक में हमने जैसी तस्वीर देखी थी, तमाम विपक्ष के जो बड़े चेहरे थे वो एक मंच पर थे कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण में, वैसी तस्वीर हमें इन तीन राज्यों में से किसी एक राज्य में या संभव है तीनों राज्यों में देखने को मिले। कांग्रेस के जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये है कि शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होगा वो शक्ति प्रदर्शन की उसमें कोशिश की जाएगी, तमाम बड़े जो चेहरे हैं उनको बुलाया जाएगा, यूपीए में शामिल जितने दल हैं उनके अलावा समान विचारधारा वाले दलों को के जो नेता हैं उनको न्योता जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को भी न्योता भेजेगी कांग्रेस पार्टी, ये सूत्र में बता रहे हैं। और कुल मिलाकर के विपक्षी एकजुटता की तस्वीर पेश करने के लिए कांग्रेस की यह कोशिश है। कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने भी ये बात कही थी कि विपक्ष एकजुट है और एकजुटता के साथ 2019 में वो बीजेपी का मुकाबला करेगी, तो उसी की तस्वीर जनता के सामने पेश करने के लिए ये रणनीति बनाई जा रही है। विपक्षी एकता की जो तस्वीर कांग्रेस ने दिखानी चाहिए थी दरअसल वो शायद फीकी रह गई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ से एक तरीके से किनारा कर लिया गया था तमाम विपक्षी दलों की उस बैठक से। और अब जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश दोनों जगह हमने देखा किस तरीके से बीएसपी और एसपी खुलकर सामने आ गए, कह रहे हैं हम तो कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो मतलब इस बार पूरे विपक्ष का एक साथ रंग जमाने की कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। देखिए, बिल्कुल, अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी से गठबंधन की बात भी चल रही थी मध्य प्रदेश और राजस्थान में, लेकिन वो बात बन नहीं पाई थी क्योंकि सीटों की ज्यादा मांग की जा रही थी उन दलों की तरफ से। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष की जो बैठक हुई संसद में, संसद भवन परिसर में, उसमें सपा और बसपा नहीं पहुंचे, तो ये एक दूसरे पर दबाव की रणनीति अपनी जगह है। लेकिन सपा और बसपा को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि 19 में मोदी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना ही बेहतर होगा। शायद यही वजह है कि उन्होंने बिना मांगे ही मध्य प्रदेश में समर्थन कर दिया, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो जाहिर सी बात है। और राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि ये सब कुछ एक प्रक्रिया का हिस्सा है और सबको साथ लाने की कोशिश हो रही है। सीटों पर क्या बात बनेगी नहीं बनेगी वो आगे की चीजें हैं, लेकिन उसके पहले जो कटती है वो तो ख्याल रखा ही जाता है। और जैसा हमने कुल मिलाकर के बहुत धन्यवाद जैनेन्द्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, शपथ ग्रहण में बुलाना तो महज एक बहाना है, दरअसल निशाना तो यकीनन यहां से 2019 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी जो एकजुटता है उसको साधना है, और इसी वजह से शक्ति प्रदर्शन इस शपथ ग्रहण समारोह के बहाने कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।